ट्रिगर दबाया और खेल खलास। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का बैड बॉय स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरह का बैड बॉय स्टेटस क्रिएट करना सीखना हो तो पूरे वीडियो में बने रहिए। इसमें आपको एक एक स्टेप बहुत इजीली से बताया जाएगा ताकि आप भी ऐसे स्टेटस इजीली तरीके से क्रिएट कर सकें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको मीडिया बजाना है और इसमें एक बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर देना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इमेज को ऐड करने के बाद आपको इसकी लेंथ को 16 सेकंड तक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। फिर गाइस आपको फर्स्ट में आ जाना है, उसके बाद अपने इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद क्रॉपिंग पर क्लिक करके इमेज को अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। इसके बाद गाइस आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और उस इमेज को ऐड कर देना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए। तो गाइस ये हमारा इमेज है, इसको सिलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका। उसके बाद इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर इसकी लेयर को खींच के अपने बैकग्राउंड के समान कर लेंगे। इसके बाद गाइस हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद अपनी इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो थ्री डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसको और एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। उसके बाद नीचे वाली इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इस वाले रोटेट को कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। इसके बाद गाइस हम रोटेट वाली इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से सेट करके रख देंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद अल्फा कैपेसिटी पर क्लिक करेंगे और इसको काम कर देंगे। इसके बाद गाइस आपको इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसका और एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और अपने लेयर को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। फिर गाइस आपको नीचे आ जाना है, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इस इमेज को आपको यहाँ से इसको काट लेना है। इसको काट लेने के बाद गाइस आपको फेदर को इसको फुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो गाइस यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इसमें सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए गाइस हमें क्या करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और वो सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा सॉन्ग है, इसको सेलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ ओके कर देंगे। गाइस हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक कलरफुल कार्ड वाला पीएनजी को इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा पीएनजी है, इसको सेलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसकी लेयर को खींच के हम अपने बैकग्राउंड के समान कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद इसको खींच के हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लेने के बाद गाइस हम नीचे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको स्किन पे कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर लेंगे। इसके बाद गाइस अपने स्केल को आपको 2.4 में रख के इसको आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इसमें एक गन वाले पीएनजी को ऐड कर देना है। ये हमारी गन वाले पीएनजी है, इसको सेलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुके। उसके बाद रोटेट पे क्लिक करना है, उसके बाद इस वाले रोटेट पर आपको क्लिक कर देना है जिससे हाथ में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको लेयर को आपको खींच के पूरे बैकग्राउंड में कर लेना है। इसके बाद अपने इमेज पर क्लिक करना है, इमेज पर क्लिक करने के बाद अपने पीएनजी को छोटा करके इसके हाथ में अच्छी तरह से सेट कर देना है। फिर गाइस आपको 5.8 में अपनी स्केल को रख के आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और इसमें बुलेट की पीएनजी को ऐड कर देना है। ये हमारा पीएनजी है, इसको सेलेक्ट किए काइन मास्टर में ऐड हो चुका। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद गाइस इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद इन एनिमेशन में जाएंगे और इसको ड्रॉप पे कर देंगे। ड्रॉप पे करने के बाद गाइस इस वाले पीएनजी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे जिससे रियल जैसा लुक कुछ देखे। उसके बाद गाइस हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको और एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेने के बाद गाइस इस वाले पीएनजी पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पे सेट करके रख देंगे। इसके बाद गाइस हम इसके इन एनिमेशन में जाएंगे। इसके बाद इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे, 1.5 इसको कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे।
सो गाइस आपको अपने सॉन्ग को प्ले करके देख लेना है। मैं अपने हिसाब से 7.4 में स्केल को रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको जो ऊपर वाले पीएनजी है, सबसे पहले वाले कलरफुल वाले पीएनजी, उस पर क्लिक करना, कैंची वाले पे क्लिक करना। उसके बाद इस वाले पे क्लिक करके इसको बीच में काट लेना है। उसके बाद गाइस इसको यहाँ से ओके कर देना है। फिर गाइस इस वाले इमेज पे क्लिक करना, इसके ओवर एनिमेशन में जाके इसको फ्लिकर में कर देना है। इसके बाद इसको ओके कर देना। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इसमें एक बैड बॉय पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। इस पीएनजी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट किए। इसके बाद गाइस इसकी लेयर को हमको खींच के अपने बैकग्राउंड के समान कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको अपनी इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बैड बॉय को आपको नीचे ले आना है, कुछ अच्छी तरह से इसको एडजस्ट करके यहाँ पे आपको सेट कर देना है। इसके बाद गाइस आपको अपनी स्केल जो है उसको आपको 7.5 में रख के आपको कैंची वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको लास्ट में स्प्लिट एट प्लेहेड में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। फिर इस वाली लेयर पे क्लिक करना है, ओवर एनिमेशन में जाके इसको फ्लिकर में कर देना है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद गाइस आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन का वीडियो ऐड कर देना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा वीडियो है, इसको सिलेक्ट किए, काइन मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद इसको स्किन पे कर लेंगे। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो गाइस हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं। फिर गाइस हम अपने लास्ट में आ जाएंगे। उसके बाद बाकी के मटेरियल को यहाँ से ट्रिम टू राइट पे क्लिक करके इसको काट लेंगे। कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ट्रिम टू राइट कर लेंगे। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए गाइस आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर दे एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और दबा दे बेल के आइकन को, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।